अगर बिहार में शिक्षक की बहाली हो तो बिहार में 12 लाख टीचर की जरूरत है, और अलग अलग अभ्यर्थी ए स्टेट बी स्टेट 11-12 ये सब ये अभ्यर्थी लगातार लाठियां खा रहे हैं। तो ये जो नौजवान रोजगार मांग रहे हैं तो सरकार लाठी दे रही है, जेल में डाल रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो रोजगार के आंदोलन पर ये जो सरकार दमन चक्र चला रही है, हम उम्मीद करते हैं कि दमन चक्र पर रोक लगेगी और 9 मार्च को रोजगार के सवाल पे बहाली कैलेंडर जारी हो, इसके सवाल पे मुक्ता काश मंच पटना में रेडियो स्टेशन के बगल में 9 मार्च को रोजगार के सवाल पे नौजवानों का महाजुटान होगा। हम आह्वान करते हैं कि अब बिहार के तमाम बहालियों के नौजवान आम नौजवान आए और बिहार विधानसभा में रोजगार के सवाल पे सबसे हम लोग मुखर आवाज बनेंगे। बिल्कुल लगातार सबसे ज्यादा सवाल हम लोगों को रोजगार से जुड़ा हुआ सदन में हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ सदन में हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग के बीच में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अंशु कुमार जी हैं, वो अपने मुद्दों को संक्षेप में रखेंगे। वो 2019 में बहाली निकला हुआ था, परिचय बहाली का नाम और मेरा नाम है अंशु कुमार। हम पिछले सर्वेक्षण एमिन के वेटिंग कैंडिडेट है, 2019 में निकला था सर्वे के लिए बहाली निकाली गई थी 2019 में, उसमें 5 पोस्ट था। कौन पोस्ट था? विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो लिपिक और अमीन। ये सब का बहाली होने के बाद मतलब 4950 का जिस पोस्ट था मेरा, 4950 पोस्ट निकाला गया था जिसमें 2.5 गुना काउंसिलिंग हुआ था। काउंसिलिंग होने के पश्चात मतलब एक मेरिट बनाया गया, जितना 4950 था उसका मेरिट बनाया गया। उसमें 4 बार मौका देने के बाद उसमें 2000 रिक्त पद खाली बच गया, और रिक्त पद बचने के बाद हम सबको जो पैनल था पुराने पैनल वेटिंग लिस्ट में थे, तो बोला गया, आश्वासन भी दिया गया, पेपर के माध्यम से बताया गया था आप सबका ज्वाइनिंग होगा। और विभागीय आदेश निकालने के बाद, ये विभागीय आदेश है निकालने के बाद, अब हम सब का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और सरकार के द्वारा, डायरेक्टर सर के द्वारा ये आश्वासन मिल रहा है कि आप सबका जो ऐसा प्रतीक्षा सूची का कोई नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है काउंसलिंग के पश्चात तैयार की गई मेगा सूची और नियोजन के पश्चात अब से बचे हुए अभ्यर्थियों की सूची को अस्थायी प्रतीक्षा रूप में अंकित किया जाता है, मतलब अस्थायी प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है। ये आदेश निकाला गया माननीय राजस्व मंत्री और अपर मुख्य सचिव विवेक सर के द्वारा, अप्रूवल मिला गया है, चयन कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया, अभी बोलते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हम सबूत के साथ, मतलब ये पंचायती राज विभाग है जिसमें प्रतीक्षा सूची का जिक्र किया हुआ है, देख सकते हैं आप सब भी, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं था कि प्रतीक्षा सूची बिहार में, तो पंचायती राज कैसे ले रहे हैं? और देखिए कृषि विभाग भी है, मतलब हर एक विभाग का मेरे पास पूरा पैनल बना हुआ है। ये कृषि विभाग है, बिहार सरकार के ये विभाग है, ये मतलब ये प्रतीक्षा सूची इसमें भी अंकित किया हुआ है, मतलब हर एक विभाग का मैंने सबूत देने के बाद भी डिपार्टमेंट बोलता है ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम नहीं है तो आप आदेश क्यों रखे? और हम सब का 2.5 गुना काउंसलिंग कराने का मकसद क्या था? और दूसरी बात है कि हम सब जो वेटिंग में आ जाए हैं विभाग की गलती के कारण से, हम सब आज वेटिंग में है। विभाग के द्वारा डेली बाय डेली मतलब 100-200 कैंडिडेट, ये मेरा फर्जी का टोटल डॉक्यूमेंट है, अभी विभाग बिना वेरिफिकेशन किए हुए ज्वाइनिंग करवा दिए, जिसके कारण हम सब अभी वेटिंग में है। और वेटिंग का आदेश निकालने के बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा है, बोलता है ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम नहीं तो आदेश क्यों निकाले, ऑर्डर क्यों निकाले? आप सबको हम लिए जा रहे हैं, काउंसलिंग कराने का मकसद क्या था? फर्जी के कारण सबसे वेटिंग में, अगर वेरिफिकेशन अगर डिपार्टमेंट पहले करवा लिया रहता हम सब आज वेटिंग में नहीं रहते, हम सब सेलेक्टेड कैंडिडेट रहते। अब हमारे बीच में स्टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं धनंजय जी, और 1 दशक हो गया इनको स्टेट क्वालिफाई किए हुए, लेकिन विभिन्न कारणों से अलग अलग समय पर अपने ही अधिसूचनाओं को काटते हुए सरकार ने इनकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं होने दी है। इधर कर लीजिए, तो अभी धनंजय जी अपनी बात रखेंगे। मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, 2011-12 STET हम लोग उत्तीर्ण है, 11 में परीक्षा हुआ, 12 में हम लोग पास हुए,
जिस समय हम लोग पास हुए उसके पहले प्रमाण पत्र दिखाओ नौकरी पाओ के तहत बिहार में शिक्षकों की बहाली की जाती है, जिसमें काफ़ी गलत बहालियाँ हुई, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा मांग किया गया। तो बिहार एकलौता राज्य है भारत का जिन्होंने हाई स्कूल के लिए एसटीईटी परीक्षा को आयोजित किया। वहाँ 2011 में हम लोग परीक्षा दिए, 12 में पास हुए, तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 17,500 रिक्तियों पर बहाली शुरू हुई। वही बहाली को उसी रिक्ति पर चौथा चरण, पांचवा चरण, आज छठा चरण हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से सातवें चरण की भी सूचना मिल रही है, जबकि रिक्तियां नहीं बढ़ती है, केवल आवेदन का प्रारूप बदल जाता है, चरण में बदल दिया जाता है। 12 जून 2019 को माननीय शिक्षा मंत्री सदन में स्वीकार किए हैं कि 5520 ऐसे उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं जहां किसी भी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है, जो पहले से मिडिल स्कूल शिक्षकों की कमी की दंश से झेल रही है, उसके प्रभारी प्रधानाध्यापक केवल बच्चों का नाम लिखते हैं और छात्रवृत्ति पोशाक राशि की बंदरबांट होती है। यहां तक कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उनका मैट्रिक इंटर का परीक्षा भी लिया जाता है। जो बच्चे फेल कर गए उनका तो भविष्य गया ही, लेकिन जो बच्चे पास कर गए वह बिहार के शिक्षा व्यवस्था को धत्ता बताता है। यह भारत का एकलौता राज्य है जहां बिना शिक्षक के बच्चे मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे 2011-12 से स्टेट पास दर्जनों साथी आत्महत्या कर चुके हैं, जिसकी सूचना हम लोगों ने विभिन्न मांगों के तहत धरना प्रदर्शन करके सरकार को दिया है। कई बार धरना प्रदर्शन अनशन हुआ, हम लोग लाठी खाए, आंसू बोला छोड़ा गया हम लोगों पर, वाटर कैनन से प्रहार किया गया, जेल गए, फिर भी हमारी बहाली नहीं होती है। हमारे ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो अपने बहाली के राह में अपने माता पिता को खो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार बहाली नहीं कर रही है। रिक्तियां है, बहाली नहीं हो रही है। अब हम लोगों को आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं लग रहा है। हम आह्वान करते हैं कि 9 मार्च को नृत्य कला मंदिर में 2011-12 के एसटीईटी के संपूर्ण अभ्यर्थी अपने नियोजन के लिए भाकपा माले के बैनर तले, आयशा के बैनर तले उपस्थित हों और अपने मांग को जारी रखें। भाकपा माले या आयशा का बैनर नहीं है, वो साधा मोर्चा है। बिहार पुलिस 2009 कहाँ गए नरसिंह जी? यहाँ बैठिए। यह माननीय मुख्यमंत्री का यह 12 जुलाई को हमारे साथी मिले हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि आपकी बहाली की जाएगी, लेकिन नहीं किया। बिहार पुलिस 2009 से नरसिंह पासवान जी यहाँ पर है, वो अपने पास में। मैं नरसिंह पासवान, मैं 2009 सिपाही भर्ती का विद्यार्थी हूँ। 2009 में बिहार में सर्वप्रथम परीक्षा का बिहार पुलिस का किया है, जिसमें 3.5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, जिसमें से परीक्षा पास 51,000 पास हुए। वैकेंसी था 10,110 की, जिसमें सफल हुए थे रिटर्न परीक्षा में 55,000 के, उसमें फिजिकल की परीक्षा हुई। फिजिकल की परीक्षा में टोटल कैंडिडेट 13,468 सफल हुए, जिसमें 10,110 की मेधा सूची में ज्वाइनिंग कराया गया। उसमें हम लोग जब कोर्ट के शरण में गए तो हाई कोर्ट ने केंद्रीय चयन परिषद से मांग की नंबर की, उसमें पाया गया कि -61 वाले अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग कराया गया और +96, 60 से लेकर 96 तक के अभ्यर्थी को छोड़ दिया गया। 2011 में हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का जजमेंट आया कि ऑल पीटी पास, यानी जितने फिजिकल किए थे कैंडिडेट सबको ज्वाइनिंग कराया गया, सिंगल बेंच का माना नहीं गया। हम लोग चल गए डबल बेंच पर, डबल बेंच पर सिंगल बेंच का ही जजमेंट आया। फिर सरकार चल गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब सरकार गई वहाँ से सरकार को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भेज दिए, कहे कि हाई कोर्ट के आदेश को पालन कीजिए। हाई कोर्ट 2017 में फिर ऑल कैंडिडेट को करने का
आदेश दे दिया कि ज्वाइनिंग कराएंगे, लेकिन प्रॉपर भी नहीं कराए। हम लोग 3100 अनकॉमन अभ्यर्थी जो कि रास्ते पर है। हाल ही में 19 में हाईकोर्ट का फैसला हुआ कि ऑल कैंडिडेट 3100 अनकॉमन को ज्वाइनिंग कराया जाए, जिसमें केंद्रीय चयन पर्षद ने 1308 कैंडिडेट को चयनित किए, जिसमें से जीरो से लेकर के 2019 के जजमेंट में जीरो से लेकर के -23 तक के 876 कैंडिडेट जीरो से लेकर -23 तक के ज्वाइनिंग कराया गया। हम लोग 61 से लेकर 97 तक के 3358 अभ्यर्थी अभी तक हम लोग सड़क पर हैं, और इसमें अध्यक्ष माननीय गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी हुए थे, वो अध्यक्ष थे। वो एक बार अपने कॉन्फ्रेंस में हाईकोर्ट के कहे थे 30/2009 की बहाली में आरक्षण का कोई अनुपालन नहीं किया गया। हम माननीय डीजीपी महोदय से कहना चाहेंगे कि आरक्षण का अनुपालन नहीं किया गया। सही बात है कि आरक्षण का अनुपालन नहीं किया गया, यही क्या है की बात है कि जनरल कैंडिडेट -23 वाले हो जाए, आरक्षण में कोई नहीं कुछ नहीं होता है, सब समान होता है, जिसका अंक ज्यादा है ज्यादा तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग 60 से 61 96 तक के 97 तक के अभ्यर्थी हम लोग अभी सड़क पर है। अभी तक हम लोग का कोर्ट में जो अति है तो अभी पड़ताल में चल रहा है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह करना चाहते हैं कि 2009 के जितने भी कैंडिडेट बचे हैं 3100 जो 9 मार्च में रोजगार अधिकार महोत्सव में भाग लें, और अपने आपको जो ज्वाइनिंग का हम लोग मांग कर रहे हैं वह माननीय विधायक संदीप सौरभ जी जी है, उनके अनुसार चलें और हम लोग अपने आप में ज्वाइनिंग का प्रस्ताव रख रहे हैं। पारा मेडिकल छात्रों की तरफ से यहां पर दिग्विजय जी हैं। दिग्विजय जी, पैरामेडिकल विभाग में 1992 में स्टार्टिंग थी, और वैकेंसी 2014 में आई थी साल का सहायक का एक्सरे टेक्नीशियन का, जो कि 2014 में लगभग 382 सीट आई थी, जिसमें सिर्फ 182 सीट का रिक्तियाँ फुल हुआ था। और यहाँ तकनीकी सेवा आयोग के तहत लगभग 1096 सीट करीबन 3 वर्षों से लंबित पड़ा है। हम लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी हम लोग का आश्वासन मिल रहा है कि अंतिम संशोधन आपके नियमावली में चल रहा है। मेरा मानना है कि हम लोग टाल बटाल करके मतलब चल रहे हैं, जैसा कि हम लोग को लग रहा है कि हम लोग कई बार आंदोलन किए, फिर भी हम लोग को फार्मासी छात्रों की तरफ से साकेत जी हैं। फार्मासी का जो वैकेंसी है वो लगातार कई वर्षों से टालमटोल में रहा है। लास्ट वैकेंसी 20 साल बाद 2019 में आई थी, वो वैकेंसी भी अभी तक पूरी नहीं की गई, और सफल बाय को वैकेंसी है, बल्कि उन्होंने वैकेंसी भी नहीं की। फिर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनसे पूरा नहीं किया, फिर अपने दूसरे कार्यकाल में हुआ है, फिर उन्होंने 1539 सीट की वैकेंसी का आश्वासन बार बार दे देके, लेकिन अभी तक उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी नहीं दिया गया। 2 साल से लगातार 3 साल 4 साल से वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी का आश्वासन देते हैं। फार्मासिस्ट को सिर्फ अपने विभाग का चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई वैकेंसियाँ नहीं दी जा रही है। अस्पताल बिना फार्मासिस्ट का कैसे चलेगा, जहां दवाई वहां फार्मासिस्ट होना चाहिए, लेकिन मंगल पांडे जी के अस्पताल में, मंगल पांडे जी के राज में किसी भी अस्पताल में पूर्ण रूप से कहीं भी फार्मासिस्ट नहीं। आप इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, उनको जल्द से जल्द फार्मासिस्ट की बहाली करनी चाहिए, और रोजगार अधिकार महासम्मेलन में हम लोगों का शामिल होने का यही मकसद है कि जल्दी से जल्द फार्मासिस्ट की बहाली हो। जो बहाली का सिर्फ आश्वासन देते हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। माननीय संदीप सौरभ विधायक जी के संसद और रोजगार अधिकार महासम्मेलन के बैनर में 550 अमीन। अच्छा, अमीन वाला जी, हाँ जी, वो अलग अलग है। अमीन की बहाली से यहाँ पे साथी एक है, 2019 बहाली है। 2019 मेरा नाम नूतन कुमार सर, 550 अमीन से हैं।
और हम 2019 में बाहरी उतारा गया था राजस्व विभाग और हम लोग का कम्युनिकेशन सब कुछ हो गई है, लेकिन सरकार आदेश भी दे दिया है कि हम लोग की बाहरी नहीं करेंगे। इसलिए हम पहले इनके दोनों मार्च को रोजगार अधिकार सम्मेलन में हम लोग भाग लेंगे। विशेष सर्वेक्षण कार्मिकों के वेटिंग स्टूडेंट्स हैं। देखिए ये जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बहाली में 5 अलग अलग बहालियों के साथ जो गड़बड़ी सरकार कर रही है, आपने जब सबको ये रिजल्ट दे दिया और वेटिंग में आपने ऊपर से जॉब देना शुरू किया तो जो लोग बचे रह गए अगर सीट खाली है तो नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं उनको जॉब देना चाहिए, यही नेचुरल जस्टिस कहता है। लेकिन सरकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना तो नियम मानने के लिए तैयार है, ना तो नेचुरल जस्टिस के किसी पैमाने को मान रही है, ना तो विज्ञप्ति को मानती है, ना तो कई बार कोर्ट के आदेश को मानती है। तो अभी विशेष सर्वेक्षण कार्मिकों की तरफ से बात रखेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मैं विशेष सर्वेक्षण कार्मिकों का वेटिंग कर रहा हूँ। 2019 में विशेष सर्वेक्षण कार्मिकों विशेष सर्वेक्षण अमीन और तीन पोस्ट की बहाली निकली थी, लेकिन बहाली इतनी धांधली हुई कि जो भी जीन्यूस स्टूडेंट है वो वेटिंग में रह गए और हम लोग सरकार के पास, प्रदेश मंत्री के पास और अपर सचिव विवेक सर के पास जाते ताकि हम लोग वेटिंग कैंडिडेट को पूरा कर लिया जाए, ले लिया जाए, लेकिन वो हम लोग की पुकार नहीं सुनते। मैं एक गरीब घर का बेटा हूँ, मेरी माँ, मेरे पापा, सभी पापा तो है नहीं, सॉरी, मेरी माँ है, माँ बहुत ही सिंपल है, फिर आशा लगाए हुए कि बेटा का जॉब होगा, लेकिन इनकम सरकार हम लोग को जॉब नहीं दे रही है, जबकि हम अपनी मेहनत से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास हुआ, वो भी अपने लेवल से रात में सड़क पर रहकर प्रोफेसर के द्वारा पैसे भी जमा करके मैंने पढ़ा, फिर भी ये हम लोग वेटिंग कैंडिडेट हूँ लेकिन हम लोग को जॉब नहीं दे रही है सरकार। हमेशा बताना दिया जा रहा है, कभी लाठी चार्ज, कभी कुछ करते हैं लोग और कहते हैं कि आप लोग को वेटिंग कैंडिडेट नहीं है, हम लोग जबकि वेटिंग कैंडिडेट है, हम लोग का प्रूफ भी हम लोग का नोटिस से निकाला गया था, जो आदेश भी है कि आप लोग को लिया जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। और मेरी माँ हमेशा कहती है कि बेटा तुम्हारा जो होगा कब मेरी स्थिति सुधार होगी, कब होगा, लेकिन कभी से प्रतिक्रिया नहीं। लड़ना है, इसके अलावा बंदोबस्त अधिकारी है तो आपका भी वेटिंग लिस्ट वाला मामला है ना, बातें आ गई है। देखिए मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा कई और बहाली के साथी हैं जो अलग अलग जिलों में काफी दूर से जिनको आना था और यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, उसमें अनियोजित कार्यपालक सहायक अभिषेक जी को आना था लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, सांख्यिकी स्वयं सेवक से नहीं पहुंचे हैं, BSSC इंटर स्तरीय बहाली को लेकर के भी नौजवानों के बीच में काफी गुस्सा है। और हम सब लोग जानते हैं कि BSSC बहाली 2014 की बहाली है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद, काउंसलिंग हो जाने के बाद अब सरकार OBC छात्रों से 2014 से पहले का NCL मांग रही है, जिसका ना तो जिक्र विज्ञप्ति में था और ना ही वो पैटर्न रहा है उस आयोग का, BSSC का ये पैटर्न भी नहीं था। BSSC ने जो CGL की बहाली ली थी, स्नातक स्तरीय बहाली, जिसका ज्वाइनिंग 2018 में हो चुका है, सेम विज्ञप्ति एक ही दिन आता है, विज्ञप्ति में शब्दशः सब चीज एक जैसा है, लेकिन सरकार NCL के नाम पर BSSC प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरी नहीं कर रही है, ये उनका मामला है। वो लोग भी इस मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन में जो 9 तारीख का आह्वान है वो लोग शामिल होंगे। सांख्यिकी स्वयं सेवक के जो नौजवान हमारे हैं उनको 2012-13 में सरकार ने बहाली लिया, उनसे एक साल काम भी करवाया गया और उसके बाद